हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन जिला के चक्की मोड़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर भारी भूस्खलन के कारण हुई क्षति का जायजा लिया और जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। राज्यपाल ने इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित बनाए जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश से सेब बाहरी मंडियों को भेजा जा रहा है और ऐसे में ये आवश्यक है कि सेब सही समय पर मंडियों तक पहुंचे। उन्होंने निर्देश दिए कि सेब सीजन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू रखा जाए और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 5 प्रदेश में आवश्यक आपूर्ति तथा पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्राकृतिक विभीषिका के कारण हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन एवं बादल फटने से न केवल व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई है अपितु जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वे स्वयं अनेक स्थानों का दौरा कर क्षति का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने अवगत करवाया कि सोलन जिला में अभी तक भारी वर्षा से लगभग 526 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक ए.के. दहिया ने भारी वर्षा से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 को हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चक्की मोड़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से ठीक करने में 30 से 45 दिन का समय लगेगा। देखिए, ये तो एक विभीषिका जैसी स्थिति हिमाचल के साथ अब की आई है। मैं एक नहीं मतलब अनेक स्थानों पर गया, कुल्लू की तरफ गया, मंडी की तरफ गया, तो ये लगता है आज की भी स्थिति में आज भी जिस प्रकार से जगह जगह बादल फट जा रहे हैं उससे परेशानी तो हिमाचल वासियों को बहुत हुई है। अब ये स्थान ऐसा है जहाँ पूरी तौर पर ट्रैफिक रुकी हुई थी। आज इसी नाते देखने आए अपने सभी अधिकारियों के साथ, DC इत्यादि के साथ और NH के लोग जो है, इन लोगों को भी ये बताया। इनका कहने का मतलब अब ये है कि पूरी तौर पर कंप्लीट करने में हमें 30 से 45 दिन तक लगेंगे, लेकिन जिस प्रकार आज सेव के सीजन की स्थिति है, हमने अभी DC साहब से बात किया है और उनकी ये कहा है कि देख करके और वाहन भले रुके लेकिन सेव के जो वाहन है वो किसी भी स्थिति में देख करके आजकल के वो देख करके और उसको जो है उसका हरी झंडी देनी चाहिए ताकि वो निकल सके।